हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो कोई भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं सीएसआईआर नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सीएसआईआर की भी बात करें खास तौर से, आप लोग जो सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के अंदर कंडक्ट होने वाली है, जिसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है और अभी जो उनके फॉर्म है वो चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर्म में ज़्यादा लेट ना करें और फॉर्म को वो फिलअप कर दें। 6 दिसंबर के आसपास इसकी डेट है, आई थिंक वो एक बार और देख लेना, नोटिफिकेशन मैंने पहले भी बना दिया था इसके बारे में, लेकिन आज का अपना वीडियो है वो सभी स्टूडेंट के फेवर का रहेगा। जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर, अगर आप लोग एक लगन के साथ और सीएसआईआर नेट दिसंबर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 100% आपके लिए एक कैलकुलेशन लेके आया हूं, जिसमें अपन बात करेंगे खासतौर से कि जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफिकेशन के लिए आप 110 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी जो रणनीति रहेगी वो रहेगी कि एक महीना अभी बाकी है, माइंड में कैलकुलेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन से पार्ट में कितने करें। सबसे पहले तो देखो, कोई भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं बेसिक फ्रेश स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं अपन सीएसआईआर जेआरएफ, ठीक है, किसके लिए आवश्यक है, नीड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। सीएसआईआर नेट में खास तौर से अपन बात करें, लाइफ साइंस या कोई भी ब्रांच हो, इसमें 5 ब्रांचेज इंक्लूड किए गए सीएसआईआर नेट के अंदर। पहली है लाइफ साइंस, दूसरी केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और अर्थ साइंस। ठीक है, इसमें 5 ब्रांचेस दी गई है, जैसे पहला अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, और आगे अपन बात करें फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और आपका लाइफ साइंस। ये ठीक है, इसमें कॉमन सी हैं जो भी जियोग्राफी फील्ड से हैं, अर्थ ओशियन साइंस से बिलोंग करते हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री से कोई भी कैंडिडेट जिनके एमएससी है, वो किस में अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल साइंस में कर सकते हैं। फिजिक्स वाले किस में कर सकते हैं, फिजिकल साइंस में कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स वाले जो कैंडिडेट है वो किस में अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल साइंस में। अब अपन बात करते हैं लाइफ साइंस के बारे में कि लाइफ साइंस में कौन से कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहले से फील्ड में है उनको पहले से आइडिया भी होगा कि मैथमेटिकल जो साइंस है उसके अंदर मतलब लाइफ साइंस जो है आपकी, लाइफ साइंस में खास तौर से बोटनी वाले कैंडिडेट किस में आएंगे, लाइफ साइंस में। जिनकी एमएससी बोटनी से है वो फॉर्म जो है वो किस में भरेंगे, एमएससी बोटनी, किस में फॉर्म अप्लाई करेंगे, लाइफ साइंस में। जिनकी एमएससी जूलॉजी में है वो भी किस में अप्लाई करेंगे, लाइफ साइंस में। जिनकी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रो बायोलॉजी में है, इसके अलावा जिनकी एमएससी बायोकेमिस्ट्री है या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अलावा अगर कोई बोटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनको नेट कौन सी क्वालिफाई करनी होगी, लाइफ साइंस की। तो इसका मतलब अगर कोई कैंडिडेट एनवायरनमेंट साइंस से है एनवायरमेंटल साइंस से है, अगर वो बोटनी जूलॉजी में
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर सपना देखता है तो उसको कहीं ना कहीं एमएससी इसी सब्जेक्ट में हो, लेकिन आपको नेट जो है वो कौन सी क्वालिफाई करनी होगी, आपको ये वाली नेट क्वालिफाई करनी होगी, कौन सी, लाइफ साइंस की। अब आप जिस भी फील्ड से रहे हो आप आइडिया लगा सकते हो, ये इसका बेसिक है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर कि पेपर पैटर्न जो है लाइफ साइंस का पेपर पैटर्न, पहली चीज़ तो देखो लाइफ साइंस जो है या फिर अपन कहें सीएसआईआर नेट जो है वो इसमें दो बार होती है साल में, जून और दिसंबर, दो बार होती है, दो कैटेगरी होती है नेट और एक होती है जेआरएफ, दो कैटेगरी है नेट और जेआरएफ। टॉप वाला को जेआरएफ मिलती है, उनसे लोअर जो है उनको नेट मिलती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जिनके पास जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट कोई करता है उनको आपको क्या मिलती है, पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप, 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है, ये होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब अपन बात करते हैं पेपर पैटर्न का। देखो आज का अपना जो वीडियो है वो रहेगा कि किसी कैंडिडेट ने सीरियस अगर स्टडी की है और वो चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जेआरएफ या नेट मिले, उसके लिए आपको जो मार्क्स है वो लेके आने हैं, 110 से 120 मार्क्स को क्वालिफाई करना है, देन श्योर वो आपको जेआरएफ मिल जाएगी। यहाँ पर देखें किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, मैंने टारगेट लिया है लाइफ साइंस को। ठीक है, लाइफ साइंस का पेपर जो है वो टोटल 200 मार्क्स का होना है। 200 मार्क्स में इसमें पार्ट जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड है, एक सिंगल पेपर है, कितना है सिंगल पेपर, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दो पेपर या तीन पेपर है, सिंगल पेपर है, टाइमिंग 3 घंटे हैं, मोड 3 घंटे रहता है। अब यहां पर बात करें, एक पेपर में तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों ही पार्ट कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू, मतलब इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। अब अपन पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए में केवल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, केवल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 आते हैं, 20 में से आप कैंडिडेट को कितने अटेम्प्ट करने हैं, केवल 15 क्वेश्चन जो है वो केवल अटेम्प्ट करने हैं आपको, 15 में से सपोज आपने अटेम्प्ट किए केवल, हाँ पहले एक बार और देख लेते हैं पार्ट बी में, देखते हैं पार्ट बी कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, केवल 35। ठीक है, पार्ट सी तीन पार्ट है, कितने क्वेश्चन आने हैं, 75 क्वेश्चन आने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, 75 जो क्वेश्चन है वो आपको 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से पहला जो पार्ट है कितने नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 30 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, और यहाँ पर 30 जो है मार्क्स का पहला पार्ट है, 35 2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, और ये कितने पार्ट का, कितने नंबर का हुआ, 70 नंबर का पेपर पार्ट बी है। पार्ट सी जो बात करें अपन, कितने नंबर का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का, टोटल नंबरिंग देखिए 30, 70 और 100, यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है। कितने नंबर का पेपर होना है, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से जेआरएफ के लिए आपके पास कितने नंबर की आवश्यकता है, 110 नंबर के ऊपर चाहिए आपको। ठीक है, कितने क्वेश्चन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखो आप कितने क्वेश्चन कैलकुलेशन कैसे बैठाएं, सबसे बेस्ट आपको मेथड है, एक चीज़ में इसमें थोड़ा सा ओवर ऐड करूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आएगी बाद में, कि पहली बात ये जो पेपर है ये
हिंदी प्लस इंग्लिश, लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। किसी कैंडिडेट ने फॉर्म में अगर हिंदी भरा है तब तो दोनों आएगा, और किसी कैंडिडेट का केवल इंग्लिश भरा है तो हो सकता है उसके पास केवल इंग्लिश इंग्लिश का जो है वो पेपर आए। लेकिन आपके मैक्सिमम जब फॉर्म्स फिलअप करते हो तो आपको कौन सा मीडियम भरना है, हिंदी भरना है, ताकि दोनों मीडियम में आपको पेपर मिल जाए। नेगेटिव मार्किंग बात करें, नेगेटिव मार्किंग 0.3, 0.3 जो है 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी इसकी, ठीक है, 1/3 जो है वो नेगेटिव रहती है। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जेआरएफ के लिए, 110 नंबर के लिए? देखो पार्ट ए में मिनिमम क्वेश्चन लेके चले आपको, सपोज आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने में से, 15 में से केवल 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। किसी कैंडिडेट की देखो रीजनिंग अगर अच्छी है, मैथमेटिकल वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है आपका, तो आराम से 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हो 15 में से। लेकिन यहाँ पे मैंने मिनिमम रखा है कितना, 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, कितना हुआ 10 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी पे चलते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, 35 करने हैं। 35 में से मिनिमम कितना कर सकते हो आप, 20 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसका मतलब आपके यहाँ पर बन रहे हैं 40 नंबर, 40 नंबर का यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया आपने। पार्ट सी जिसमें आपको केवल 25 करने हैं, 25 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नेगेटिव को बचाने के लिए। 25 के 25 करोगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, इससे बेटर है जितने आ रहे हैं उतने करो, तो 20 क्वेश्चन आप मैक्सिमम लेके चलो। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पर 80 मार्क्स का जो है वो सी पार्ट कर लिया आपने। तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितने का बनता है, 130 मार्क्स का, 130 मार्क्स का जो पेपर है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया। सपोज पहली बात तो आपको नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही नहीं है, अगर इन केस आपके 20 मार्क्स भी नेगेटिव चले जाते हैं, 20 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, फिर भी अगर आपके नेगेटिव चले जाते हैं 20 मार्क्स, तो भी आपके पास 130 में से आपको 110 जो मार्क्स हैं वो आपके बचते हैं, और 110 की कैलकुलेशन मैंने आज लेके चली है, तो 110 में आपको 100% आपको जेआरएफ मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। नेट आपके 100% है और जेआरएफ भी लगभग पूरी 100% आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार के कैलकुलेशन है कि कोई भी कैंडिडेट जो सीरियस असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज में कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर लेक्चरर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए CSIR नेट का। और CSIR नेट अगर आपने फिल किया है तो अच्छे से मेहनत कीजिए, और इसी पेपर पैटर्न को या इस कैलकुलेशन को आपको माइंड में रखना है, ताकि आपके 110 मार्क्स आराम से आपके बन जाए। और ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो, ये सब्जेक्ट का पोर्शन है तो ये मैंने बता दिया है, और सिलेबस आपको पता ही है 13 यूनिट चलती है, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो CSIR की साइट से भी, और NTA नेट CSIR की साइट से भी कर सकते हो। तो आज के लिए अपनी सूचना है और अपना वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर भी किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाए, और कैसा आपको लगता है, क्या कैलकुलेशन परफेक्ट बैठेगी, ज़रूर आप लोग अपना रेस्पॉन्स दीजिए। आज के लिए अपना वीडियो ही कम्प्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।